नगर परिषद सचिव मोनिका सोनी दौसा शहर में नियुक्ति के बाद से ही काफी सुर्खियों में रह रही हैं। इनकी नियुक्ति के बाद से नगर परिषद दौसा के साथ साथ शहर की सफाई का ढर्रा भी तेजी से सुधरने लगा है। मोनिका सोनी की छवि आम जनमानस में एक काबिल अफसर की तरह अंकित है। मोनिका सोनी काफी सख्त व अपने कार्य के प्रति समर्पित अफसर है। कोताही और लापरवाही का तो इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। मोनिका सोनी ने नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही और कोताहियों का ढर्रा काफी हद तक सुधारा है। मोनिका सिंह के इस रवैया और आमजन से सीधा जुड़ाव होने के चलते व्हाट्सएप पर किसी आम नागरिक ने एक वीडियो भेजा, जिस वीडियो में नगर परिषद दौसा में कार्यरत संविदा ड्राइवर सीताराम गुर्जर नगर परिषद की सरकारी जेसीबी को बिना स्वीकृति के किसी निजी कार्य गोबर खाद उठवाने के लिए घंटों तक उपयोग में ले रहे थे, जिस पर सचिव मोनिका सिंह ने उन्हें बर्खास्त कर नगर परिषद में हुए खर्चे की भरपाई के आदेश कर दिए हैं। संविदा ड्राइवर सीताराम गुर्जर के उक्त कृत्य को देखते हुए भविष्य में इन्हें नगर परिषद कार्यालय में कार्य के लिए नहीं लगाया जाने का भी आदेश किया गया है। रोड बैंक का तार टूटा हुआ है और ये नगर परिषद की जेसीबी ये खड्डा कर रही है यहाँ, ये देख लो। सरकारी वाहन काम आ रहा है और सुबह से सफाई करने के लिए चार बार सुरगान को फोन किया है परंतु इन्होंने नहीं सुना है। देखो ये गड्ढा कर रही है यार, क्यों ये रोड बैंक के तार टूट गए, ये तार ये डालेंगे। ये देखो नगर परिषद की है ये नरपत, ये देखो।